नमस्कार दोस्तों, स्टे हेल्दी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करने वाले हैं जो सुनने में साधारण लगती है। इसके लक्षण भी सामान्य हैं, परंतु बहुत ही घातक बीमारी है। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू भी कहा जाता है, एक संक्रामक बीमारी है जो छुआछूत से फैलने वाले रोग हैं। इस रोग का वायरस अचानक से आपको संक्रमित करता है, जिसका नाम इन्फ्लुएंजा वायरस है। जब यह वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो एक से दो दिन तक शरीर में कुछ भी महसूस नहीं होता, परंतु फिर धीरे धीरे इसके कुछ सामान्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे ठंड के साथ बुखार चढ़ना और 100 से 103 डिग्री के बीच में रहता है और बुखार बढ़कर 106 डिग्री तक हो सकता है, जो बेहद खतरनाक होता है। और इस रोग में रोगी का अचानक से तेज सिरदर्द शुरू हो जाता है, नाक व आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, पूरे शरीर की हड्डियों में दर्द होता है, छींकें आती हैं, गर्दन में अकड़न रहती है, उल्टी आती है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, आंतों में दोष से दस्त की समस्या शुरू हो जाती है, पेशाब से संबंधित कई समस्याएं हो जाती हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी चिल्लाने भी लगता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे वो कोमा में हो। सांस लेने में रुकावट महसूस होती है। इस रोग के कारण शरीर के सभी अंगों में बीमारी का दौरा पड़ने लगता है। इसलिए समय पर ही इसका इलाज अच्छी तरह से ना हुआ तो रोगी को अधिक परेशानी होने की संभावना रहती है, जो जानलेवा भी हो सकती है। दोस्तों, ऐसी समस्याएं होने पर रोगी को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा थकान वाला काम नहीं करना चाहिए, गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना चाहिए, शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए आदि। दोस्तों, इस रोग की समस्या को कुछ घरेलू इलाजों द्वारा कम किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इन्फ्लुएंजा से बचाव के कुछ घरेलू उपाय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दालचीनी, इन्फ्लुएंजा होने पर 5 ग्राम दालचीनी, 2 लौंग, 1/4 चम्मच सौंठ को पीसकर 1 किलो पानी में उबालें और 1/4 पानी रहने पर छान लें और पानी के 3 हिस्से कर दिन में 3 बार पिएं। पीपल, दूध में 2 पीपल या 1/4 चम्मच सौंठ डालकर उबालकर पिएं। नींबू का रस, शरीर के विभिन्न अंग और हड्डियों में दर्द होने पर गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पिए, फ़ायदा मिलेगा। नारंगी, ऐसा माना जाता है जब इन्फ्लुएंजा या महामारी फैली हो तो नारंगी का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। अजवाइन, 1.5 ग्राम चम्मच अजवाइन और 3 ग्राम दालचीनी, दोनों को उबालकर इनका पानी पिए। शहद, इन्फ्लुएंजा होने पर शहद के सेवन से खांसी के कीटाणु नष्ट होते हैं। तुलसी, तुलसी को पानी में उबालकर छानकर सेंधा नमक मिलाकर पिए, फ़ायदा मिलेगा। अदरक, अदरक द्वारा इस रोग के फैलने से बचाव किया जा सकता है। अदरक को पानी में उबालकर शक्कर मिलाकर पीने से फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए रोग व उसके उपचार के साथ। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल स्टे हेल्दी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।